कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में एक किशोरी और एक किशोर ने सुसाइड कर लिया। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 14 साल की किशोरी कक्षा 9 की छात्रा बताई जा रही है, जबकि किशोर कक्षा 6 का छात्र बताया जा रहा है। दोनों मामलों में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह लोहाघाट के नगर क्षेत्र से लगे एक गांव में निजी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 14 वर्ष की छात्रा ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे में झूल कर जान दे दी, जबकि शाम के समय नगर के 13 वर्षीय कक्षा 6 के छात्र ने भी घर में फांसी लगा ली। आनन फानन में परिजन छात्र को उप जिला अस्पताल ले गए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जुनैद कमर ने बताया कि किशोर को अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। लोहाघाट थाना अध्यक्ष जसवीर चौहान ने बताया कि मृतका एक निजी स्कूल की छात्रा थी। उसकी मौत मंगलवार की रात हुई थी। उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें मौत की वजह फांसी लगाना ही आया है। वहीं छात्र के शव का आज पंचनामा भरा गया है। पोस्टमार्टम कल कराया जाएगा। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। प्रथम दृश्य माना जा रहा है कि छात्रा ने पढ़ाई के तनाव के चलते आत्मघाती कदम उठाया है। वहीं छात्र के मामले में कहा जा रहा है कि उसे किसी बात को लेकर उसकी मां ने डांटा था। एसओ जसवीर चौहान ने बताया कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।